Come on. 9. वेरी गुड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कॉलेज और सुबह सुबह उठे हैं, फिर से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी जाम है, अभी पटना से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, टोल टैक्स से पार नहीं कर पाए हैं। और एक घंटा सुपर हो चुका है, 7 बजे हम घर से निकले थे, 8 बजने वाला है, पता नहीं कब पहुँचेंगे क्लास। 8 बज गया, 8 बज चुका है और 10 बजे से क्लास हम लोग, पता नहीं कब चंडी पहुँचेंगे। तो खैर देखते हैं पहुँचते हैं या नहीं। कि लोग नीचे से आ रहे थे तो नीचे भी जाम लग गया और इस तरफ भी जाम लगा हुआ है, मतलब चारों तरफ से लोग फंस चुके हैं। धीरे 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 गाड़ी बढ़ रही है। मेरा तो मन कर रहा है मैं वापस चला जाऊँ, क्या क्लास व्लास फिर ले जाऊँ। ये काशिफ है क्लास है, कल दोपहर में मैसेज आया क्लास हो। जाम खत्म। चलिए जाम खत्म हो चुका है, कितना देर लगता है, एक घंटा हो गया, कहीं क्लास लेट ना हो जाए। ये काशिफ है क्लास है, किसी और टीचर कहता तो मैं जाता था, इस अच्छा पढ़ाते हैं। और लैब, तो लैब प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है वरना आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो चलिए पूछते हैं चंडी डायरेक्ट और देखते हैं क्या सीन है। एक कॉपी और एक ब्लू ब्लैक पेन ले लिया है और अब जाते हैं क्लास। और क्लास के बाद खाना वाना नाश्ता जो होगा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्लास और देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं आज हम लोग, कौन सा टेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं क्लास। तो कॉलेज आ चुके हैं ऑनलाइन क्लास करते हुए और हमारे सारे दोस्त चलते हुए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ये इंजीनियर का टैलेंट है, यू नो, पढ़ लेता है जहाँ मन वहाँ पढ़ लेता है। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये सब यहाँ पे मशीन हैं और कोई अभी आया नहीं है, तो हम लोग टाइम पे आर्कियोलॉजी लैब है, इसमें रेनफॉल मेजरमेंट, ट्यूजिंग, साइमन एंड गेज, ये सब करना है, यानी टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये दूसरा आपका लिस्ट जो है सर्विंग का है, सर्विंग में ये सब करने थे, हालांकि हम लोगों ने कुछ नहीं करा क्योंकि जो भी थी क्लासेस ऑनलाइन थी। और ये देखिए, ये बिल्डिंग साइंस का जो है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होने वाले हैं। और ये आपका लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस है, जो कि सबसे पहले होता है और इनको आपको फॉलो करना होता है, तो हम लोग फॉलो करेंगे इसको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है एज़ पर IAS 2386 पार्ट 4, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है पार्ट 4, तो इसको ये बहुत कंपलसरी है तो याद रखना है। और देखिए इसमें एपरेटस रिक्वायर्ड है कुछ, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एपरेटस, वेइंग वैलेंस, IAS सीव, इसमें 3 सीव यूज़ होते हैं, IAS सीव 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm, स्पैनल हो गया जिसको रिंच भी कहते हैं हम लोग, और इनेमल ट्रे यूज होता है 5th नंबर में, 6 में हो गया आपका टैंपिंग रॉड और पैन एंड पैन कवर, फिर स्टील मोल्ड यूज होते हैं।
और ये आपका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। इसको जो पास करेगा 2.36 mm सिर्फ से बाय टोटल वेट ऑफ मटेरियल टेकन, जो टोटल वेट लिया गया है, और इनटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। और तीन केस करेंगे और तीनों का एवरेज लेते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि क्या होता है इसका। तो चलिए करते हैं टेस्ट। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं एग्रीगेट को लाने, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेव जो है यूज़ होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्रीगेट को लाने। ये BK चौधरी है, BK चौधरी ने रखा है, इसको सेव बोलते हैं, सेव बोले तो अच्छा नहीं। और एक वो क्या उसको बोलते हैं, टफ है। तो हॉस्टल के तरफ से जा रहे हैं लाने, और देखते हैं मिलता है कि नहीं। उस तरफ कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, उस तरफ है ना। तो हॉस्टल में कैसा दिन कट रहा है बीके चौधरी? बहुत बढ़िया। ये हॉस्टल में रहता है लड़का, अगर आपको कुछ पूछना हो हॉस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप इसे पूछ सकते हैं। बीके चौधरी हमारा सहपाठी है और हम दोनों का ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए एग्रीगेट को लेकर आते हैं, यानी गिट्टी को लेकर आते हैं। ये रहा हमारा एग्रीगेट और एकदम सही साइज़ है, परफेक्ट है। तो सभी भी उठाएंगे, उठा लो बाबा, सब उठा लो। और ये देखिए नया बिल्डिंग बन रहा है इधर। क्या बन रहा है बीके चौधरी के? हॉस्टल बन रहा है एमटेक के लिए। अच्छा, एमटेक के लिए हॉस्टल बना था। हाँ, पिछली बार याद आया, बताया तो था मैंने। हाँ यार, और देखिए किस तरह से चल रहा है। इसको सी बोलते हैं और हिंदी में चलनी कहते हैं। तो सर ने कहा है कि इसको चाल कर ले। इस पैनल से हम मोल्ड को खोल लेंगे और फिर इसका मेजर करेंगे वेट। अब वेट करो इसको, अच्छे से उठाना भाई। हाँ, दोनों आराम से। उसका तो वेट हो ही गया ना। फार्मूला देखो उसके बाद। टोटल का ना वो कर जाए पहले उसको। चलो आप लोग कन्वर्ट करो, उस रूम में जाओ, निकाल के रखो, अपना ले जाओ पाउडर, पाउडर ले जाओ, ले जाओ भाई, इसको अच्छे से रखना, ले जाओ। सो टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्टली वी हैव टू वेट ऑफ मेजर द वेट ऑफ एम्प्टी मोल्ड विदाउट एग्रीगेट एंड वी हैव टू नोट एज W1 एंड आफ्टर वेइंग ऑफ मोल्ड वी विल पुट एग्रीगेट लेयर बाय लेयर एंड वी विल डू टैम्पिंग। नाउ यू विल वॉच हाउ वी आर डूइंग दैट। ट्वेंटी टाइम्स वी हैव टू डू टैम्पिंग। सेकेंड बार फील करेंगे, सेकेंड बार में भी 25 टाइम्स सर टैम्पिंग। अच्छा, ईच लेयर 25 टाइम्स वी हैव टू टैप। फाइनली
So this is final and last layer we are taking that. Total we have to take as 3 layers and this is final and each layer should be tapped 25 times. So this is final layer, third layer. Roll, जैसे रोटी बनते हैं ना वैसे हम जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा. So you have to roll this like this girl is performing. We are doing this because extra aggregate will be come outside after rolling. And again we have to tap 25 times. As earlier I told, we have to tap 25 times each layer. इसका weight करेंगे इसका weighing करेंगे. Note करना. 2.313. 2.313. अब हम इसको टाइट बस पैनल से इसको टाइट करेंगे. फिफ्टीन टाइम्स ब्लोज होगा और ये करेगी. टू थ्री फोर टेन वेरी गुड इलेवन ग्यारह Come on. Hasani. 12. Come on. And last. Come on. Thoda sa. Oh yes. Very good. 15. Ab isko fix kar denge. थोड़ा अब इसको वापस लॉक कर देंगे. लॉक टाइम. ये हैमर था जितना वाइट पार्ट दिख रहा है ये हैमर है. लॉकिंग पिन था ये लॉक कर दिया गया हैमर को ताकि वो वापस गिरे नहीं. अब इसको ओपन करेंगे और 2.3 mm. अब इस एग्रीगेट को 2.3 mm सेव करेंगे चाले में. आराम से वेस्ट नहीं होना चाहिए. और ये लड़की काफ़ी थक चुकी है. अच्छा खाना नहीं खाए हो. और ये नीलेश कुमार जानते हैं. इसको अभी शेविंग किया जा रहा है 2.36 mm शेव से. फिर हम इसका वेट करेंगे नीचे वाले का जो हमारा मटेरियल है. तो यहाँ पे हमने एग्रीगेट को सेव कर लिया. अब इसका वेट करेंगे. इसको उठाओ. हट गई आप थोड़ा सा पीछे से. एक पेपर पे लो. वेट करो. 0.073. तो इसका वेट 0.073 आया. और जो टोटल वेट था इसका कितना था 2.313. मोल्ड का जो वेट था वो 1.73 है. तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं अब और देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है. ये होगा 2.1 mm. और ये देखिए एक्सपेरिमेंट जो था डिटरमाइन किया हम लोगों ने एग्रीगेट को
इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू डिटरमाइन किया IS 23876 पार्ट 4 और ये अपरेटस रिक्वायर्ड है आपका। और यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए W1 हमारा वेट ऑफ मोल्ड है, W2 वेट ऑफ मोल्ड प्लस एग्रीगेट है, और W3 जो है हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट पाउडर, ये पाउडर फॉर्म जो लास्ट में हम लोगों ने सेव किया था जिसको W3 लिए थे हम, तो वो है। और तो यहाँ पे देखिए W1 हमारा वेट ऑफ मोल्ड हो गया, W2 हमारा टोटल वेट हो गया वेट ऑफ मोल्ड प्लस एग्रीगेट, तो दोनों W2 माइनस W1 कर देंगे तो हमारा W4 आ जाएगा यहाँ से, और W3 हमारा जो था एग्रीगेट पाउडर उसका वैल्यू 0.073 आया था। तो यहाँ से हम AIV निकालेंगे, तो AIV जो है इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm सेव बाय वेट ऑफ टोटल मटेरियल टेकन इनटू 100, तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। है एक्सपेरिमेंट यह कंप्लीट हो गया है। AIG का फुल फॉर्म है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, हम लोगों ने निकाला और यहाँ पे देखिए अभी 12.8% आया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका कि कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है। ये वैल्यू जो आया है हमारा एक परफॉर्मेंस का है, ग्रुप थर्ड का, यानी ग्रुप थर्ड में हम थे तो ये ग्रुप थर्ड का है, लेकिन आप हम तीन ग्रुप का परफॉर्म करवाया गया था तो तीनों ग्रुप का अलग अलग आएगा, उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे, उसके हिसाब से ये जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। तो ग्रुप 1-2 का पता नहीं क्या आया था, फिर छुट्टी हो गई थी तो हम चले आए थे, तो आप लोग परफॉर्म कीजिएगा तो वो तीनों का ऐड करके एवरेज निकालिएगा तो फाइनल आंसर आएगा, उसके हिसाब से इसको देखेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।